यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी हम देखते हैं कि आपकी अगर बात करें, आपकी पूरी फैमिली की बात करें, बहुत ही स्पिरिचुअल है। हर साल हम देखते हैं नवरात्रि के मौके पर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल करते हैं। तो क्या कुछ फील करते हैं आज के इस दिन, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बारे में? माता के दिन चल रहे हैं, मेरी शादी जहाँ पर हुई है, हम लोग भी माता को बहुत मानते हैं। और यू नो नवरात्रि का जो ये मौसम है जिसे कहते हैं, तो हम भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। आई थिंक माँ जो है बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। और या वी लव इट, हमको बहुत मज़ा आता है करने में और बहुत श्रद्धा से भी करते हैं। सर हम देखते हैं आप पूरे 9 दिन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही नौ दिन नहीं मतलब उसके पहले भी रहते हैं। जी। सो आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस ये एक महीने जो आप पूरे अपने तन मन से पूरे इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर? यहाँ कर कोशिश करते हैं कि पब्लिक आए, विजिटर्स आए, डिवोटीज आए, दे हैव अ गुड टाइम और कम्फर्टली। हम उनकी सुविधा के लिए सब करते हैं, हमारा सिक्योरिटी बोली, हमारा अरेंजमेंट बोली, हमारा स्टॉल बोली है, हर चीज़ हम कोशिश करते हैं दैट पीपल आर हैप्पी एंड गो। एंड वो भी आप लोग बहुत ही अच्छे से, तो वो इस बार कैसे काजल सर्व करके हम काजल जी नहीं मैं सर्व नहीं करती हूँ, हाँ मैं सर्व करती हूँ, हाँ सर्व करती हूँ मैं, लेकिन मनाता कोई और है। अष्टमी का दिन इनका, हाँ काजल जी आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, और नवमी का दिन रानी देती है और अष्टमी का दिन काजल देती है। अष्टमी के दिन जो होता है, हम सब हमारी फैमिली की पूजा होती है, तो हाँ हम सब आते हैं उस दिन। लेकिन आई थिंक हर दिन जो होता है वो माता का दिन होता है, हम लोग वही श्रद्धा दिखाते हैं, वही यू नो ये करके आते हैं कि हाँ आज जाएंगे और माता को मिलेंगे या जो भी है, तो इट्स दैट। एंड काजल जी ऐसी कोई मन्नत होती है आपकी माता रानी से? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जिस मंदिर में भी गई हूँ, जब भी भगवान के सामने खड़ी हूँ, चाहे वो माता हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि मांगने से बेहतर है आप बस उन यू नो उनको बोलो कि खुद देती है, खुद देती है, वो खुद जो देती है अपने हाथ से देती है, वो बहुत ज़्यादा होगा। 72 ईयर की पूजा हो रहा है जी, हाँ वो तो, और उनके उनके मर्जी से होगा। हम एक्चुअली प्लान करते हैं और कहाँ, माँ अपने आप प्लान करके खुद आती है, पैसा बोलो, स्पॉन्सर्स बोलो, हर चीज़ माँ खुद लेकर आती है। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिला और वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, क्या कहना चाहेंगे आप इस ब्यूटीफुल साड़ी के बारे में जो आपको इतना अच्छा कमेंट? ये इतना ब्यूटीफुल साड़ी है क्योंकि मेरी सुंदर माँ ने मुझे ये साड़ी प्रेजेंट की थी दुर्गा लास्ट टू लास्ट दुर्गा पूजा में, एंड ये ट्रेडिशनल वो बंगाली साड़ी है, तो इसलिए। एंड मैडम यू नो सबसे ओल्डेस्ट दुर्गा पूजा 72nd ईयर फैमिली दिन है, क्या क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी जो ट्रेडिशंस हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें अगर हम लोग नहीं मतलब रख सकते तो फिर हिंदुस्तान की क्या बात है, फिर हिंदुस्तान कैसे बना? और माँ दुर्गा जो है वो सबकी माँ है, और हमारे सासू जी ने हमको यही समझाया कि देखो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक दूसरे से प्यार करो। ये जो दुर्गा पूजा है ये सबको एक करती है, फिर यहाँ कोई मज़हब नहीं होता, यहाँ कोई ये दुर्गा पूजा है, फिर कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी प्रार्थना कर सकता है, कुछ भी मांग सकता है, और माँ तो सबकी माँ होती है। नहीं डेफिनेटली हमारे फेस्टिवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक फैमिली को साथ में मिलाते हैं, हम सबको साथ में रखते हैं। यू नो हमारी ज़िंदगी इतनी यू नो वर्क ओरिएंटेड हो जाती है कि फेस्टिवल्स में हम सब साथ में मज़े कर सकते हैं, यू नो साथ में व्हेन यू डू प्यार का माहौल होता है, प्यार का माहौल, यहाँ कोई क्लेश नहीं होता, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में
जेलस नहीं होता, जेलसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूजा की विशेषता क्या है तनुजा जी? इस पूजा की विशेषता क्या है? आई थिंक मॉम विल से इट बेटर देन आई विल एक्चुअली। इस पूजा की विशेषता यही है कि मेरे जो सासू जी थे उनका यही एक मकसद था कि सब हमारी जो फैमिली है वो एक हो, और ये पूरे जितने लोग यहाँ आएंगे वो एक फैमिली की तरह यहाँ आए। यू नो मैडम, भोग भी स्टार्ट, आई थिंक दैट ये विशेषता मेरे आइडिया में इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि हम इतने लोगों को भोग खिलाते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग, क्योंकि जब भी आप लोगों को खिलाते हो तो आप बहुत पुण्य कमाते हो। मैं भी भोग सर्विंग करती हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया है श्यामला दादा ने कि मुझे सर्व करना ही पड़ेगा। तो मैं हर साल बचपन से सर्व करते हो, ये सब बच्चे लोग जो है ना, ये एक पूरी फैमिली करती है कि पूरी फैमिली और हमारे सब बच्चे मतलब 2 साल की उम्र से सर्व करते हैं। सो बिफोर दैट आई जस्ट हैव टू से वन थिंग एक्चुअली कि हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, हम अपने वातावरण को ध्यान में रखकर मनाना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली द एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग वेरी रुइंड। हमारे फेस्टिवल्स, भगवान जी भी नहीं बोलते हैं कि हमारी धरती को बर्बाद कीजिए, सो प्लीज़ कीप द एनवायरनमेंट इन माइंड व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस। सर ने एक सवाल पूछा, जी हाँ, हमारी मूर्तियाँ रिसाइकल होती है हर साल। एंड सर ने एक और सवाल पूछा कि आपका रानी मुखर्जी, आप फिर से पूछिए। रानी हमारी बच्ची है, सीधी सी बात है। एंड यू नो मैडम, आप हमने काजोल जी से ही बात की, सर से ही बात की, आपकी जो पूरी फैमिली है बहुत ही स्पिरिचुअल है, जैसा कि आपने भी कहा मैं अपने सासू माँ से ये संस्कार लेके आई हूँ, अब हम देखते हैं कि आप अपने बच्चों को भी ये देते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है आज के संस्कार 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 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। जो संस्कार है वो हमको हमारे माँ ने दिए, हमारे नानी ने दिए, हमारे दादी ने दिए, वही संस्कार हम हमारे बच्चों को देते हैं। जिस फैमिली में मैं आई शादी करके, उस फैमिली के बस संस्कार वही थे, हमारे सासू जी ने वही संस्कार दिए हमको, तो हम तो वही संस्कार देंगे ना बच्चों को। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। कंट्री, दैट्स व्हाट मेक्स इंडिया व्हाट इट इज, द फैक्ट दैट वी हैव दीस ट्रेडिशंस, वी हैव दीस फेस्टिवल्स, इट रियली मेक्स इंडिया सच अ पावरफुल कंट्री टुडे। द फैक्ट दैट वी हैव सच अ स्ट्रांग cultural heritage and part of this cultural heritage is Durga Puja. So I'm saying it in English because unfortunately that is the language that I'm most comfortable to say this in, but that's it. Thank you ji. पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, रुक जाओ, लुकिंग योर, वे ओनली लुकिंग एट यू, यू आर स्माइलिंग, यू आर वन मोर स्माइल, चश्मा निकाला के नहीं देखो कदर राजू, चलो आ जाओ।
अभी हमारे जरा चलो This bag my sister has made for me. ये bag मेरी बहन ने मेरे लिए बनाया हुआ है. I just want to tell you. बनाया खरीदा क्या? बनाया है. खरीदा नहीं है, बनाया है. बहुत खूबसूरत है मैम. Where are you going? Where are you going? एक मिनट दो छिप दो छाप दो पंडाल बोलोगे इतना ही छापे पंडाल इतना बढ़िया था तुम छापे नहीं जीत भाई का रोल कट कर है तो वीआईपी पंडाल और अभी हम शाम की प्रिपरेशंस पे प्रिपेयर कर रहे हैं सर मैं आप लोगों को यू नो यू लुक आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स सो कितना कितने चैलेंजेस होते हैं आई मीन इट लुक्स ब्यूटीफुल जो डिवोटीज आते हैं उसमें दर्शन करते हैं लेकिन बैक एंड इज टू मच ऑफ यू नो थिंग्स टू पुट टुगेदर सो प्लीज टेल अस अबाउट There is somebody looking after the art, somebody looking after the construction, somebody looking after the book. So our idea is that there are departments and their department heads, and we coordinate with them. So what is that? It is challenging because our idea is that the footfall is every year is growing. कभी 1 lakh था कभी 2 lakh था अभी 5 lakh के ऊपर footfall होता है. तो यहाँ हमारा जो दो होता है वहाँ करीबन दिन में 8,000 से 10,000 लोग खाना खाते हैं. एंड दिस एंटायर थिंग इज एसी डोम तो हमको देखना पड़ता है कि हमारा एसी चल रहा है ठीक से जो लोग बाहर से आते हैं अक्टूबर हीट है तो यहाँ अंदर का टेम्परेचर शुड बी वेरी कोल्ड नाइस कूलिंग एंड वेरी कम्फर्टेबल फॉर द मेम्बर्स एज वेल एज द गेस्ट तो इट इज़ चैलेंजिंग फॉर अस एंड आई थिंक एवरी ईयर हम यो चैलेंज को देते हैं एंड वी कम आउट ऑफ फ्लाइंग कलर्स सेम दिस ईयर बंगाली भोग के लिए सभी एक्साइटेड रहते हैं खास एंड खास क्योंकि वो अपना भजिया जो रहता है बिंजौल का भजिया जो रहता है खिचड़ी जो रहता है उनका स्वाद ही अलग होता है आई थिंक माता के पास जब आते हैं सब माता का जब भोग लगता है उस दौरान जो स्वाद आता है आई डोंट थिंक कि घर के स्वाद हमारा जो भोग है इस पूजा का आई डोंट थिंक सारे इंडिया में जो मेन्यू हमारे भोग में होता है कहीं भी है ये एक ही जगह होगा जहाँ करीबन 8,000 से 10,000 लोग एक ही जगह मतलब बैठते हैं एसी डोम में और मेंबर्स खुद सर्व करते हैं और हमारे जो मेन्यूज़ है उसमें करीबन 10 से 12 आइटम्स होते हैं वो कहीं नहीं मिलेगा आप अगर जाते हो कहीं भी कलकत्ता हो आपको ऐसा मेन्यू नहीं मिलेगा एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि इतने सारे मतलब लोग से मिलने को होता है रिलेटिव्स कम हमारे कजिन्स हम सब साथ में मिलते हैं बैठते हैं
और यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज नेटवर्क पर वीडियो सहित पूरी डिटेल दे सकते हैं और हमारे जी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।